उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं। माइक वाले इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दे, और एक ये जिस किसी की भी पांडुलिपि है, ये इसके मौलिक माता पिता जहां कहीं भी हो इसको संभाल लो। मैं जानता हूं ये बच्चा देश का भविष्य है, लेकिन इसको मेरा वर्तमान बिगाड़ने का कोई है। ये वैसे ही और माइक वाले इस माइक की थोड़ी आवाज बढ़ाओ। माइक वाला किधर है? अरे इसको बंद कर दो और इस माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा दो, जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा दो, आज मेरी थोड़ी कम हो रही है। सब ठीक है? आवाज आ रही है? तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूं? आवाज नहीं आ रही तो फिर ये कैसे आई? मैं उससे पूछ रहा हूं आवाज आई? वो बोल रहा है नहीं आई। अब आ रही है? माइक वाले थोड़ी और आवाज बढ़ाओ, और ये लाइट तो बंद कर दो, इसको क्यों जला रहे हो भाई? इसको इसको ये लाइट बंद कर दो। वो बोल रहे हैं कि ये लाइट अगर नहीं जलेगी तो मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये जल रही है तो फिर आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे, और जरूरी यह है कि आप मुझे दिखाई दो। इसलिए अगर कर सकते हो तो कर दो, वरना तो जैसा है वैसा चलेगा ही चलेगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, मैं शुरू हूं, लग नहीं रहा मैं अभी तक मैं कैसी एनआईटी में खड़ा हुआ हूं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूं। मैं आपके बीच में ऐसी कोई फालतू माथा फोड़ी की बात, अब देखो इस माइक का भी कैरेक्टर थोड़ा ढीला हो गया। जब तक वो खड़ी थी तब तक इसने सीटी नहीं बजाई, अब मेरे आते ही बजाओगे तो मिल भी क्या जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उस सुदर्शन लड़की का जिसने मुझे यहां पर बुलाया। ये पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भगवान ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए हैं, तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा। ये पीछे वाले एक काम करो मेरे भाइयों, यहां पे आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ आप। सच कह रहा हूं, केसी एनआईटी के इस प्रोग्राम को मैं अविस्मरणीय बना दूंगा। आप जो पीछे खड़े हो कितनी देर तक खड़े रहोगे? और ज्यादा देर तक खड़े रहोगे तो पग भारी हो जाएंगे, और मैं सच बता रहा हूं पग भारी होना मर्दों के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। आप अगर आगे आके बैठ जाओगे तो ठीक है, नहीं बैठोगे तो कोई बात नहीं, चलो खड़े ही रहो। आप भी अगर बैठ जाओ तो ठीक रहेगा। वैसे भी महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। नहीं बैठोगे भैया? नहीं बैठेंगे यूपी वाले हैं, उत्तर प्रदेश का तो बच्चा। ये क्या कर रहे हो भाई? तुम तो ऐसे स्वर में चिल्ला रहे हो जैसे तुम कैटरीना कैफ और में रणबीर कपूर। बस केवल देखो, मैं आपके बीच में फालतू माथा फोड़ी की कोई बात नहीं करूंगा, सबको मजा आएगा।
आएगा ही आएगा, मैं आपको 100% गारंटी देके जा रहा हूं, मजा आएगा, नहीं आएगा तो पेमेंट मत देना। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही ले चुका हूं। देखो मैं सही बता रहा हूं, आदमी के सर पे दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक मां और दूसरी बीवी। जब मां माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब बीवी माथे पे हाथ घुमाती है तो समझता हूं सूपड़ा साफ। एक भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालियों ने हाथ घुमा रखा है। हाँ बैठो बैठो सर, कहीं भी बैठ जाओ, आप तो सही टाइम पे आए हो, हमने प्रोग्राम थोड़ा जल्दी शुरू करवा दिया था, बहुत बढ़िया। देखो मैं सही बताऊं, आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है, सच कह रहा हूं मैं आपको। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार है वो। श्याम निगम जी कहाँ है, श्याम निगम जी? नहीं है, है नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। श्याम निगम जी मुझसे बोले, यार मेरे साथ आजकल बहुत तकलीफ है। मैंने कहा क्या तकलीफ है भाई साहब आपके साथ? बोले यार मेरे साथ तकलीफ ये है कि मेरी लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा भाई साहब मुझसे क्यों कह रहे हो, मेरी तो खुद की नहीं मानती। मैंने कहा अब तो आप एक काम करो, अब तो आप निर्मल बाबा के दरबार में जाओ, अब तो निर्मल बाबा ही बताएंगे आपको लुगाई बात कैसे मानती है। ये चले गए निर्मल बाबा के दरबार में। जैसे ही निर्मल बाबा के दरबार में गए, इन्होंने बाबा से कहा, बाबा लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, ऐसा आशीर्वाद दो क्यों मेरी बात मानने लग जाए। निर्मल बाबा बोले, निगम जी आप घर पे खाना खाते हो? श्याम जी बोले खाता हूं। निर्मल बाबा बोले, कभी पत्नी के बने हाथ के खाने की तारीफ की है? श्याम निगम जी बोले, साहब वो तो जिंदगी में कभी नहीं की। बाबा बोले, शुरू करो कृपा वैयक की हुई है। बाबा की बात सुन के श्याम जी घर गए। जैसे ही घर गए तो भाभी जी लेके आई पराठे। श्याम जी ने पराठे खाए, पराठे खाके फटाफट तारीफ स्टार्ट कर दी। बोले, ऐसे पराठे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए। क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, बोलो ना, एनी प्रॉब्लम? अब तुमको हिंदी भी नहीं आती, तुमको इंग्लिश भी नहीं आती, तो संस्कृत मेरे को नहीं आती। मैं जानता हूं आप इंजीनियर लोग हो, और आज तो आप उछल कूद करोगे ही करोगे, क्योंकि एक दिल्ली में भी कर रहा है। हाँ खींचो फोटो, खींच ले फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट। ये कैमरे वाले ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये मेरी फोटो खींच रहा है, कल अखबार में छपेगी, परसों आप उस पे कचोरी समोसा रख के खाओगे, कोई ढंग का काम थोड़ी है। अच्छा मैं सही बात बता रहा हूं भाई साहब आपको, फोटोग्राफर जिंदगी में वही बनता है जिसको दूसरों के घर में ताक झाक करने की आदत रहती है। तो आप सबको आवाज आएगी, किसको आवाज नहीं आ रही बताओ, एक बार नहीं आ रही तो फिर ये कैसे आई?
तुम तो यार ऐसे सोच रहे हो जैसे मैं केजरीवाल हूं और तुम नरेंद्र मोदी हो। आ रही है? अगर मैं पूछ रहा हूं आ रही और तुम कह रही हो नहीं आ रही, तो नहीं आ रही तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब तुम घर जाओ। सबको आएगी, चिंता की कोई बात, जिस जिसको मेरी आवाज आ रही है एक बार मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से बताए कि मैं शुरू करूं। मैं जानता हूं आप उत्तर प्रदेश वाले हो और यूपी का आदमी तो इतना इंटेलिजेंट होता है, गोबर को सूंघ के पता कर लेता है कि भैंस की एज कितनी है। ये श्याम जी मुझसे बोले यार लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, ये निर्मल बाबा के दरबार में चल गए, निर्मल बाबा बोले घर पे खाना खाते हो, ये बोले छाप घर पे खाना खाता हूँ, निर्मल बाबा बोले कभी पत्नी के बने हाथ के खाने की तारीफ की है, ये बोले साहब वो तो जिंदगी में कभी नहीं की, बाबा बोले शुरू करो कृपा वहीं अटकी हुई है। अब ये निर्मल बाबा की बात सुन के घर गए, जैसे ही घर गए तो भाभी जी लेके आई पराठे, श्याम जी ने पराठे खाए और पराठे खाके फटाफट तारीफ स्टार्ट कर दी, बोले ऐसे पराठे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए, आज तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, आज तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो भाभी जी रसोई में से बेलन लेके आई, बोली मैं 20 साल से तुझे खाना खिला रही हूं, तूने आज दिन तक तारीफ नहीं की और आज जैसे ही पड़ोसन ने पराठे भिजवा दिए, तो तू मोक्ष को प्राप्त हो गया। वो एक लड़की की विदाई हो रही थी, सीटी बजाई, बहुत अच्छे, इस सीटी से तुम्हारे कैरेक्टर का पता चल रहा है। और वैसे भी आजकल सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, बजा भी सकते हो। वो एक लड़की की विदाई हो रही थी तो लड़की के भाई ने पिताजी से कहा, पिताजी दीदी की विदाई हो रही है, दीदी जोर जोर से रो रही है और जीजाजी कोने में खड़े खड़े दांत निकाल रहे हैं। तो पिताजी बोले, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, इसको तो सारी जिंदगी भर रोना है। आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है, सच कह रहा हूं। मैं तो जैसे ही यहां पे आया एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, अंकल एक बात बताओ, ये सब लेडीज लोग मांग में सिंदूर क्यों भरते हैं? मैंने कहा, बेटा सिंदूर देखते ही झट समझ जाना चाहिए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बच्चा बोला, फिर ये मर्द मांग में सिंदूर क्यों नहीं भरते? मैंने कहा, बेटा ये अवैध संपत्ति है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोला हम 20 भाई बहन हैं। मैंने कहा, यार मैं ये पूछ रहा हूं तेरे पिताजी क्या करते हैं? बोला हम 20 भाई बहन हैं। मैंने कहा, यार सवाल तो है पिताजी क्या करते हैं? बोला पिताजी को फुर्सत मिलेगी तभी तो कुछ करेंगे ना। मैं तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है सबको परीक्षा में पास होने का फार्मूला देके जा रहा हूं। जब मैं पांचवी छठी क्लास में पढ़ता था तो मैं पूरी कॉपी खाली छोड़ता था, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली और एंडी एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तुझ में दम है तो मुझे पास करके दिखा। अपना आज दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। अच्छा मैं सच कह रहा हूं आपको, जो जो मेरी अच्छी बात पर ताली नहीं बजाएगा मैं उन सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में वो घर घर जाके ताली बजाएगा। बहुत सारों ने अभी भी नहीं बजाई, वरना क्या है, मैं पिछले दिनों अमेरिका गया था, अमेरिका में साहब बड़े अमीर आदमी ने प्रोग्राम कराया, मैंने बहुत सारे जोक सुनाया, वो हंसने का नाम नहीं ले रहा था,
मैंने उससे पूछ लिया एंड में, मैंने कहा भाई साहब आप हंसते क्यों नहीं हो? वो बोला यार मैं अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा गजब रे। मैंने कहा भैया आप ताली क्यों नहीं बजाते? बोला यार मैं क्यों बजाऊं, मैंने तो ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में उसकी गाड़ी में बैठ गया, मैंने कहा भैया गाड़ी तो चलाओ। वो बोला यार मैं क्यों चलाऊं, मैंने तो चलाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अच्छा 2 महीने बाद फिर उन भाई साहब की शादी हो गई। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आदमी को खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए तालियां तो आपको बजानी ही पड़ेगी। मैं तो सच कह रहा हूं, आदमी तो जब से पैदा होता है तब से दुखी रहता है भाई साहब, सच कह रहा हूं आपको। जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। जब केजरीवाल जी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, बच्चा पैदा होने का नाम ही नहीं ले रहा, पहले ही धरने पर बैठ गया। जब एनडी तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हुआ है। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली तू भी भगले आशाराम बापू पैदा होलिए। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि शक्ति का सरस्वती से मेल पैदा हुआ है, और 2 लाइनों में लगे आपको कि मैं कोई सही बात कह रहा हूं, तो ये पूरे सदन की दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां सुनना चाहता हूं। जब एडवांस पेमेंट मत करो, डिलीवरी के पहले ही बच्चे की आवाज आ रही है, सुनो तो सही। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि शक्ति का सरस्वती से मेल पैदा हुआ है, लगता है गुजरात में फिर से पटेल पैदा हुआ है। अच्छा ये बाबाओं ने भी बड़ा उधम मचा रखा है भाई साहब। वो अभी एक नया आया बाबा रामपाल, बेचारा 50 फिल्में करके अर्जुन रामपाल इतना हिट नहीं हुआ, जिससे ज्यादा तो छोटा सा ड्रामा करके बाबा रामपाल हिट हो लिया। बाबा भी कितना उद्यमी था, 25,000 पुलिस वालों के पकड़ में नहीं आया, 25,000 पुलिस वाले पकड़ने चल गए बाबा को, लेकिन बाबा पकड़ में नहीं आया। तो मैंने तो एक बार कहा था मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी हरियाणा की पुलिस को हटाओ और एक बार यूपी की पुलिस को लगाओ। क्योंकि जो पुलिस आजम खान की भैंसों को 2 घंटे में ढूंढ के ला सकती है, उनके लिए बाबा रामपाल को पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा वो आपने एक नारा सुना होगा सन्नी देओल की फिल्म में, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो ये पाकिस्तान वाले सोचने लग गए, यार इंडिया वाले कितना बेवकूफ है, हम दूध मांग रहे हैं और ये खीर दे रहे हैं। अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए बेवकूफों, हम तो भविष्यवाणी करते हैं खीर खाओ, क्योंकि खीर बाबा रामपाल वाली थी। मैं देखो आपके बीच में फालतू टेंशन की माथापोड़ी की कोई बात, मैं भी आपकी तरह स्कूल में पढ़ता था भाई साहब। मैं जब पढ़ता था हमको मास्टर पढ़ाते ही ऐसे थे, मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू हैं। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मान लिया।
तो मास्टर बोला मान ले बेटा तेरे दूसरे हाथ में भी 5 लड्डू हैं। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला यार मान ले तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो आप कह रहे हो तो मान लिया। तो मास्टर बोला पता बेटा अब तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू अब पता तेरे दोनों हाथों में मिला के टोटल कितने लड्डू हुए। मैंने कहा सर 7.5। मास्टर बोला तेरे को 21 भी गिनती नहीं आती 5 और 5 कितने होते हैं। मैंने कहा यार 7.5 मान लेना तेरे बाप का क्या जा रहा है। जैसा देश होता है वैसा भेष कर लेना चाहिए। देखो आप ऐसे हंसो जैसे भांग खा के आए। मेरे को बस आपके ठाके चाहिए कुछ नहीं चाहिए। भाई तुम समर्थन कर रहे हो कि हूट कर रहे हो? समर्थन कर दो तो ठीक, हूट में हो ही नहीं सकता। हूट तो नहीं करते ना। ओ मिलती थी रोज मुरारी से पर से टिंग थी गिरधारी से। मैं तो सारे काम जानता हूं। अभी वो बोल रही थी नेहा जी तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे बांसुरी बज रही है। अब मैं गाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बांसुरा बज रहा है। ये क्या है, ये गले गले का फर्क है। वो इतना सुरीला इसलिए बोल रही थी क्योंकि उनके गले में बैठी है सरस्वती। अब मैं सुरीला बोल ही नहीं सकता क्योंकि अपने गले में बैठे हैं भैरव जी महाराज। आदमी सुरीला बोले तो कैसे बोले। अच्छा मैं जानता हूं कैसी एनआईटी के सारे लोग हो। कैसी एनआईटी का तो बच्चा बच्चा इंटेलिजेंट होता है ऐसा। वो पिछले दिनों एक अमेरिकन मुझसे मिला। अमेरिकन मुझसे बोला यार दुनिया के जितने भी आविष्कार किए वो सब अमेरिका वालों ने किए, तुम हिंदुस्तान वालों ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया रे चोटो। बोला हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बनके तैयार। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे का आविष्कार तो केसी एनआईटी के छात्रों ने कर दिया। बोला क्या कर दिया केसी एनआईटी वालों ने। मैंने कहा उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बनके तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आए तो इधर से सब्जी डालो उधर से वापिस कद्दू बनके तैयार। वो बोला ये फालतू के आविष्कार मत गिनाओ, कोई ढंग का आविष्कार किया हो तो बताओ। जैसे हम अमेरिका वालों ने प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया ऐसा कोई आविष्कार केसी एनआईटी वालों ने किया हो तो बताओ। ऐसा कोई आविष्कार तुम पूरे हिंदुस्तान वालों ने किया हो तो बताओ। मैंने कहा तुमने कब कर दिया प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार तो हम इंडिया वालों ने किया था। मैंने कहा प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार तो भारत में हुआ था। बता क्या गणेश जी के माथे का ऑपरेशन तेरे बाप ने किया था। ये सारे इंटेलिजेंसी वाले काम हमने किए। ये दो बच्चे हैं, इनकी 4 हो गए। भैया तुम तो बहुमत में आ गए। इनकी मम्मियां जहां कहीं भी हो, सॉरी मम्मियां नहीं मम्मी, वो इनको संभाल लो। और मैं जानता हूं आप माता बहन ही हो जो बच्चों को संभाल सकती हो, क्योंकि आप जब अपनी औकात पे आती हो तो बच्चा क्या बच्चे का बाप चुप हो जाता है। हाँ मिलती थी रोज मुरारी से पर से टिंग थी गिरधारी से। जब तक आप सारे लोग एक साथ तालियां नहीं बजाएंगे मैं रात भर आपको 2 ही लाइनें सुनाता रहूंगा। ओ मिलती थी रोज मुरारी से पर से टिंग थी गिरधारी से। ओ
मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से, मिलती थी रोज मुरारी। देखो आपने सुना होगा मुंबई में बम विस्फोट हुआ, जयपुर में बम विस्फोट हुआ, देश के सारे जगह बम विस्फोट हुए। आपने कभी सुना कि यूपी में बम विस्फोट हुआ? यूपी में हो ही नहीं सकता। मैंने तो पिछले दिनों एक आतंकवादी से पूछ लिया, मैंने कहा यार सब जगह बम फोड़ते हो आप, यूपी में क्यों नहीं फोड़ते? बोले भाई साहब यूपी में फोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे बम फोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। हमको जब बम फोड़ना होता है तो हम उस शहर में जाते हैं, वहां जाके एक साइकिल खड़ी करते हैं, साइकिल में फिर एक टाइम बम लगाते हैं, उसके बाद बम फूटता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल खड़ी की, लेकिन हर बार साइकिल चोरी होली। तो यूपी वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता साहब, उत्तर प्रदेश होता है। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, देखो यूपी का आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है, जैसे अपने को जूते की पॉलिश करवानी हो तो अपन मोची के पास जाएंगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट तक पॉलिश करेगा। अमेरिका में ऐसे नहीं करते, अमेरिका क्या है बड़ा देश, अमेरिका में तो क्या है डायरेक्ट मशीन में पांव डालते ही पॉलिश होके आ जाएगी, फिर दूसरा पांव मशीन में डालो उसके भी पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है जैसे ही आप दूसरा पांव मशीन में डालोगे तो मशीन पांव पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो जब पांव छोड़ेगी। अब मैं और मेरे ये श्याम जी ले गए मुझे अमेरिका में, वहां पे जैसे ही हम दोनों एयरपोर्ट पे गए तो एयरपोर्ट पे मशीन लग रही थी पुलिस की, तो एक केसी एनआईटी का छोरा खड़ा अमेरिका में उस मशीन को देख रहा था। श्याम जी मुझसे बोले यार ये केसी एनआईटी का लड़का एक घंटे से खड़ा मशीन में क्या देख रहा है? मैंने कहा भाई साहब केसी एनआईटी का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा, और उसने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पांव मशीन में डाला उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पांव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पांव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पांव पकड़ लिया। तो केसी एनआईटी वाले तो किसी को भी फंसवा देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। मैं एक कविता इस मुकाम पर आपको सुनाने की कोशिश करता हूं, आप सबकी तालियों की ताल मेरे साथ चलनी चाहिए। मेरे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है और मेरे पास कोई ढोलक है न मजीरा है न कोई हारमोनियम है, मेरे पास केवल आपकी तालियां हैं और आपकी तालियों के दम पर मैं चलता रहूंगा। बड़ा अच्छा लगा आप जैसे विद्यार्थियों के बीच में आकर मुझे। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से, मिलती थी रोज मुरारी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे, अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। तालियां तो अब अगली पंक्ति पे आए आपकी। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे
बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से, मिलती थी रोज मुरारी से, मिलती थी सब मेरे मेरे साथ। चलो ऐसे मत बजाओ, ये क्या आ गया, एक श्वान आ गया है। नेताजी जहां भी जा रहे हैं आप चले जाइए। जब तानसेन गाता था तो हिरण आते थे, मैं गा रहा हूं तो ये आ रहा। बैठाओ इसको भी कुर्सी देके। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करना हूं, उसको अपना करने दो भाई, उससे अपने टेंशन किस बात की है, अपने को कोई टेंशन नहीं है उससे। अब प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है नारायण दत्त तिवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से। ओ शेखर की कुर्बानी, झांसी वाली रानी, भूल गए सब याद रही पर शीला की जवानी। देखो मैं जानता हूं आप लोग मुझे बहुत प्यार से सुन रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि थोड़ा सा प्यार और आपका मिले। मैं केवल 10 मिनट मांगता हूं आपसे, 10 मिनट बाद मैं आपसे 1 मिनट भी नहीं मांगूंगा। ओ शेखर की कुर्बानी, झांसी वाली रानी, भूल गए सब याद रही पर शीला की जवानी। बूढ़ापे में भी, ओ बूढ़ापे में भी जवानी वाले काम मिल गए। और एक पंक्ति में लगे आपको कि सच बोलता हूं तो पूरे सदन के हाथ उठे। ओ बूढ़ापे में भी जवानी वाले काम मिल गए, आशा की थी राम जी की आशा राम मिल गए। शेखर की कुर्बानी, ओ झांसी वाली रानी, भूल गए सब याद रही पर शीला की जवानी। बूढ़ापे में भी, ओ दिल्ली में कुछ लोग इकट्ठे होकर में से आप बने, और तिवारी जी 80 में एक बच्चे के बाप बने। दिग्गी राजा ने भी दिल्ली के दिल में एक गोल किया, बेली डीटी खत्म हुई लेकिन फिर भी मिस गोल किया। ओ गोरे गोरे गाल कोयले के दाम मिल गए, आशा की थी राम जी की आशा राम मिल गए। अगर नेताओं के भी भाई साहब मादड़े समझ में नहीं आते। वो एक नेताजी ने तो कहा कि दिल्ली में एक गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। वो दिल्ली में एक नेताजी ने कहा कि दिल्ली में एक गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। मैं बोला नेताजी झूठ काई को बोल रहे हो, दिल्ली में आजकल 10 रुपए तो पेट खाली करने के लग जाते हैं। अच्छा अभी भाई साहब ने मुझसे फरमाइश की कि वो मल्लिका शेरावत वाला आप सुना देना, मैं उनकी मांग भर देता हूं।
हिंदुस्तान की एक प्रख्यात अभिनेत्री है, वही अपनी प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारिणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। और हिंदुस्तान के एक प्रख्यात अभिनेता है, मैं जानता हूं उसके बिना तो आप लोगों की करवा चौथ के व्रत ही पूरे नहीं होते। वही अपने परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी अधर रम्यामी सर्व हृदय गामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपस्टिक चटकामी महामहिम चुंबन स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। अच्छा, वो मल्लिका शेरावत की साहब क्या गजब का कौशल है उस लड़की का। वो मल्लिका शेरावत पिछले दिनों बाबा रामदेव के पास गई, तब से बाबा जी की एक आंख ढंग से खुलने का नाम ही नहीं ले रही। बाबा जी हिंदुस्तान के अकेले आदमी है जो आंख से मिस कॉल करते हैं। अच्छा, वो एक दिन अक्षय कुमार ने कहा, साहब मैं जब शर्ट उतारता हूं तो 5000 लोग चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। सलमान खान बोला, यार बॉडी तूने कितनी भी बना ली हो लेकिन मैं जब शर्ट उतारता हूं तो 10000 लोग चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में सलमान खान बोले कि मैं जब शर्ट उतारता हूं तो 15000 लोग चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में सनी लियोन बोली, मैं रुकू कि जाऊं। भगवान राम माँ सीता को ढूंढते हुए जंगल में जा रहे थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, वो देखो रास्ते में तुम्हारी भाभी का झुमका पड़ा हुआ है। तो लक्ष्मण बोले कि हे भगवान राम, मैंने तो कभी भाभी के पैरों से नजर ऊपर उठाकर ही नहीं देखी, मुझे क्या पता उनका झुमका कैसा है। तब लगे आपको कि हमारे संस्कार कहां से चले थे और कहां तक आ गए। पिछले दिनों एक पहलवान ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया, अब मैं गांधी जी का भक्त, मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया तो उसने दूसरे गाल पे भी मार दिया। मैंने कहा, यार गांधी जी ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना, तेने तो दोनों पे ही मार दिया। मैंने कहा, आप तू एक है, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूं। मैं घर गया और एक घंटे बाद बंदूक लेके आ गया और बंदूक उस पहलवान की छाती पे धर दी। तो पहलवान बोला, रे गांधी जी का भक्त और तू हाथ में बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा, बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। जैसा देश होता है वैसा भेष कर लेना चाहिए। मैं अंतिम 5 मिनट आपके लूंगा। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली गया, आपने देखा होगा साहब जितने भी नोट होते हैं हर नोट पे गांधी जी की तस्वीर छपी है। मैं पूरी दिल्ली से पूछना चाहता हूं कि किसी नोट पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर जारी क्यों नहीं होती। 4 पंक्तियों में लगे कि मैं कोई सही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप अश्लील टिप्पणियों पर बहुत ठहाके लगा सकते हैं लेकिन मैं एक सच बात कहने की कोशिश करता हूं, उस पर लगे तो केसी एनआईटी के सभी प्रबुद्ध लोगों की तालियों का समर्थन चाहता हूं। अशफाकुल्ला खां की कोई मुस्लिम बात नहीं करते, अशफाकुल्ला खां की कोई मुस्लिम बात नहीं करते, बिस्मिल शेखर और सुभाष को हिंदू याद नहीं करते, हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। क्यों भूले, राजनीति में करोड़ों झंडू बाम मिल गए, राज
राजनीति में हजारों झंडू बाम मिल गए, आशा की थी राम जी की आशा राम मिल गए। शेखर की आपने देखा होगा साहब, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है क्रिकेट का, धोनी के छक्कों पर 1 करोड़ के इनाम मिलते हैं, विराट कोहली के 1-1 4 रन पर करोड़ों के इनाम बांटे जाते हैं, लेकिन जिसने अपना बेटा सीमा पर कटवा दिया उसको चौराहे पर खड़े होकर भीख मांगनी पड़ती है, उनको कोई इनाम नहीं मिलता, कोई पूछता नहीं है, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कथा किताबों से गायब है रानी लक्ष्मीबाई की, कथा किताबों से गायब है रानी लक्ष्मीबाई की, घर घर में तस्वीर टंग गई आज जलेबी बाई की। 2 पंक्तियों पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं कहता हूं दिल्ली की ओर इशारा करके कि बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तब लगे आपको कि मैं अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, इन 2 पंक्तियों में लगे आपको कि मैं हिंदुस्तान का सच बोलकर जा रहा हूं, तब आपका समर्थन मिले। ओ कथा किताबों से गायब है रानी लक्ष्मीबाई की, घर घर में तस्वीर टंग गई आज जलेबी बाई की, उसको कफन नहीं जो सीमा पर गोली खा जाता है, उसको कफन नहीं जो सीमा पर गोली खा जाता है, विद्या बालन का उलाला पद्म श्री पा जाता है, नकली छक्कों पे करोड़ों के इनाम मिल गए, आशा की थी राम जी की आशा राम मिल गए। ओ शेखर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आपने इतने प्यार से मुझे सुना। कैसी एनआईटी के सभी विद्यार्थियों का मैं दिल से आभार करता हूँ, और सबसे ज्यादा आभार उन देशभक्त लड़कों का कर रहा हूँ जो देशभक्ति की बात पर तालियां बजा रहे हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, युवा पीढ़ी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को विकास और हिंदुस्तान के अच्छे भविष्य के लिए आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत।